हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रंजना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज रांची। सीपीक्यू के अंतर्गत आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू साइकोलॉजिस्ट कैरेक्टराइज एंड डिफाइन इंटेलिजेंस। द आंसर इज साइकोलॉजिकल मोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस्ड मोशन ऑफ इंटेलिजेंस। जनरली पीपल सॉ इंटेलिजेंस एज मेंटल अलर्टनेस, रेडी आर्ट, क्विकनेस इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशंस। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। अकॉर्डिंगली अल्फ्रेड बिनी also use these attributes and define intelligence as ability to judge well, understand well and reason well. Later, Wessler gave a comprehensive definition in terms of its functionality, that is its value for adaptation to environment. He defined intelligence as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with his/her environment. Then, present-day psychologists such as Gardner and Sternberg emphasize that intelligent individual not only adapts to the environment but actively modifies or shapes it. Sternberg's views intelligence as the ability to adapt, to shape and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. Okay. मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। फ्रीमैन ने बुद्धि की सभी परिभाषाओं को एकत्र किया और उनके विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन्हें चार समूहों में बांटा जा सकता है। उन्होंने पहले समूह में ऐसी परिभाषाएं जो बुद्धि को समायोजन में सहायता देने वाली योग्यता मानती है उसे रखा। इस श्रेणी की परिभाषाओं के अनुसार जो व्यक्ति समायोजन प्रक्रिया में जितना ही अधिक सफल होता है उसमें उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। दूसरे वर्ग में उन्होंने ऐसी परिभाषाओं को रखा जो बुद्धि को सीखने की योग्यता मानती है। इस श्रेणी के परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, अर्थात जो व्यक्ति किसी विषय को जितनी जल्दी सीख लेता है उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है। इसके अंतर्गत बकिंघम की परिभाषा आती है, उनके अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। तीसरे श्रेणी में ऐसी परिभाषाओं को रखा गया जो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। इस श्रेणी के परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। इस परिभाषाओं में इस श्रेणी के परिभाषाओं में टर्मन की परिभाषा आती है। टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। चौथी श्रेणी में ऐसी परिभाषाओं को रखा गया है जो बुद्धि को सार्वभौम योग्यता मानती है, यानी ग्लोबल कैपेसिटी। इस श्रेणी की परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि
एक सार्वभौम योग्यता है, मतलब विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के योग को बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसमें वेसलर की परिभाषा आती है। उनके अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से अभियोजन करने की योग्यता का योगफल या सार्वभौम क्षमता होती है। इस प्रकार चौथी की श्रेणी की परिभाषाएं अधिक संतोषप्रद है। अन्य श्रेणी की परिभाषाएं केवल आंशिक रूप में सत्य है। फ्रीमैन ने सभी श्रेणी की परिभाषाओं का अवलोकन करने के बाद यह कहा है कि इन सब परिभाषाओं में वेसलर की परिभाषा सर्वमान्य है। इसका कारण यह है कि इस परिभाषा द्वारा बुद्धि के स्वरूप का स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।